निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के बारे में हमेशा देश की जनता की राय रही है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी आज चर्चार्थ हो रहा है आपके सामने वैसे भी उत्तर प्रदेश में चाहे जो घटनाएं हों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरोकार सीधा समाजवादी पार्टी के नेता थे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे ये अखिलेश जी के सागर किसी व्यक्ति से ही जुड़ा हुआ नजर आता है निश्चित रूप से इस पार्टी के लिए सर्वसार करने वाली बात है और वही चीज़ जो जनता कहती है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी वो नारा आज भी प्रासंगिक होता हुआ नज़र आ रहा है देखिए जात के आधार पर दिन भर अखिलेश जी अपनी पीडीए जात धर्म इसके अलावा उन पर कुछ है नहीं प्रगति की कोई बात नहीं तरक्की की बात नहीं कोई योजना नहीं प्रदेश को आगे ले जाने की कोई अपनी रणनीति नहीं केवल और केवल जात धर्म की बात करते हैं और तथ्यहीन तो तो बात करते हैं अब तक के जो आंकड़े सामने आपके आए भी होंगे आप उठा के देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश में सरकार के लिए अपराधी अपराधी है अपराधी की कोई जात नहीं लेकिन ये आंकड़े उठा के देखें तो जो इनकाउंटर हुए हैं उसमें हर जात के हर समाज के लोग हैं क्योंकि कोई भी एक जाति ना अच्छी हो सकती है ना बुरी हो सकती है अपराधी की कोई जात होती ही नहीं है अपराधी की जिस जाति सिर्फ अपराधी होती है और सरकार अपराधी को अपराधी की तरह ही ट्रीट करती है उसके साथ कोई जात के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश सरकार अपराधी के अपराध अपराधी के मामले में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी देखिए मुझे लगता है चाहे राहुल जी हों या मायावती जी हों सब लोग केवल लो और केवल दलित वोटों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं जबकि उनकी भलाई का काम ये लोग कोई करने वाले नहीं हैं अगर इनकी भलाई इनकी सुविधा इनके लिए योजनाएं देने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है चाहे उनके आवास हो स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या अन्य उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने वाली जितनी भी योजनाएं वो अगर देने का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है यानी कि कोई तक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है दलितों के हितों के लिए जन दलितों को उत्थान के लिए दलितों को समाज में सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है देखिए राहुल जी बहुत गलत फहमी अपने बोलते रहते हैं नरेंद्र मोदी जी के निर्णय नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी काम देश की भलाई के लिए देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए देश को परम वैभव पहुंचाने के लिए और देश को विश्व पटल पर एक नई प्रतिष्ठा दिलाने के लिए लगातार उठाए जाते रहे और आज भी देश के भलाई और कल्याण के लिए ठोस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं